देखकर पानी भरकर लाया परात में। परात
पद। इस पद में भी कवि ने प्राकृतिक उपादानों का वर्णन किया है जो वर्षा ऋतु में काले मेघ को देखकर प्रसन्न हो उठते हैं। चितिस अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब धर्म की, बांध टूटा झरझर मिलन के आंसू ठहर के, मेघ आए बड़े बंठन के समर के। तो इस पद में कवि कहते हैं चितिस अटारी, चितिस, चितिस का अर्थ होता है जहां आकाश और धरती आपस में मिलते हुए प्रतीत होते हैं। आकाश और धरती जहां पर मिला हुआ नजर आता है उसे कहते हैं चितिस। अटारी का अर्थ होता है पक्का इमारत या महल। दामिनी का अर्थ होता है बिजली। दमकी का अर्थ होता है चमकना। तो वर्षा ऋतु में जब आकाश में काले घने मेघ छा जाते हैं, चितिस अटारी गहराई, गहराई का अर्थ होता है काला घना रंग का बादल जब आकाश में छा जाता है, आकाश को घेर लेता है ये काला बादल, दामिनी दमकी और उसके बीच में बिजली चमकती है। क्षमा करो गांठ खुल गई अब हरम की, यहाँ पर क्षमा करो गांठ खुल गई, गांठ खुलना का अर्थ होता है प्रकट होना। भरम की का अर्थ होता है भ्रम की। यहाँ पर कवि कहते हैं मेघ को कि हमें क्षमा करो, हम ये विश्वास नहीं कर रहे थे कि तुम बरसोगे, लेकिन काले घने बादल को देखकर हमें विश्वास हो गया कि अब ये बरसने वाला है। बांध टूटा झरझर मिलन के आंसू ठहरके, ठहरके का अर्थ होता है बहना। बांध टूटा झरझर मिलन के आंसू ठहरके, अर्थात हमें जो भ्रम था कि तुम नहीं बरसोगे, अब वो भ्रम हमारी टूट गई है। कवि कहते हैं कि हमारी जो भ्रम था वो उसका बांध टूट गया है। और इस तरह से आकाश में काले घने बादल छाने के बाद उसमें बिजली चमकती है और वह बरसने लगता है। और प्रकृति के जितने भी उपादान हैं, पेड़ पौधे, नदी नाले, तालाब, मनुष्य सभी प्रसन्नचित हो उठते हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के समर के, कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु में मेघ सज समर कर बन ठन कर आ गए हैं। तो इस पद में कवि के कहने का आशय है कि काले घने बादल आकाश में छा गए हैं, बिजली चमकने लगी है और आकाश में बादल सज संवर कर आ गए हैं। तो इस पूरी कविता में मेघ आए कविता में मेघ का अर्थ ही होता है बादल। तो इस पूरी कविता में कवि ने वर्णन किया है कि जब एक वर्ष के बाद वर्षा ऋतु में काले घने बादल आकाश में छा जाते हैं तो पूरा वातावरण, पूरी सृष्टि आनंदित हो उठती है। चाहे वो पहाड़ पर्वत हो, नदी नाले हो, चाहे वृक्ष हो, सभी प्रसन्नचित हो उठते हैं और उस बादल के स्वागत करने के लिए आतुर हो उठते हैं। पेड़ पौधे जो जंगलों में होते हैं उन्हें पानी नहीं मिलती है एक साल तक, तो वे बहुत ही प्रसन्न उठते हैं कि अब उन्हें पानी मिलने वाला है और इस तरह पूरा वातावरण हर्षित हो उठता है। तो इस कविता में कवि ने मेघ आए शीर्षक के द्वारा प्राकृतिक उपादानों का वर्णन किया है जो वर्षा कालीन मेघ को देखकर प्रसन्नचित हो उठते हैं। आज की कक्षा यही समाप्त करती हूँ।